एक दिन खरगोश अपने घर में मजे से बैठा था। उसे बहुत भूख लगी। जब वो घर से निकला तो अचानक उसे बहुत सारे फल एक साथ मिल गए। अरे इतने सारे फल, चलो अपने दोस्त कौवे को बुलाकर एक साथ भोजन करते हैं। खरगोश अपने दोस्त कौवे को बुलाता है और दोनों मजे से फलों का स्वाद चखने लगते हैं। तभी वहाँ चालाक लोमड़ी आ जाती है, जो बहुत दिमाग वाली थी और हर एक को उल्लू बनाने में कामयाब हो जाती थी। वो देखो, लोमड़ी इधर ही आ रही है, सावधान। ओ भाई सावधान। लोमड़ी ने इतने सारे फल देखे तो चालाकी से बोला, तुम लोग तो बड़े ही फल खा रहे हो, कहाँ से आए ये फल? मुझे भी अपने साथ बिठा लो, मैं भी एक फल चखना चाहती हूँ। तुम क्या चखना चाहती हो हम सब जानते हैं, चली जाओ यहाँ से। लोमड़ी इस बात से बहुत नाराज हो जाती है और गुस्से में आकर खरगोश के बिल में घुसना चाहती है। आसपास की मिट्टी को खोदना शुरू करती है। अरे तुम ये क्या कर रही हो? बताती हूँ, मेरा अपमान किया है, अब तुम्हें चखना पड़ेगा, ना कि तुम्हारे फलों को। अरे कुछ करना होगा, ये लोमड़ी फिर से कुछ करने वाली है। अरे दोस्त हम क्या करें? रुको अभी कुछ दिमाग लगाता हूँ। खरगोश बहुत चतुर और समझदार था। उसने निडर होकर लोमड़ी से कहा, ठीक है मैं समझ गया, गलती मेरी ही थी जो तुम्हारा अपमान किया। अब मैं बाहर आ जाऊँ जिससे तुम मुझे खा सको। तुम डर गए, समझ गए अपनी गलती। आओ आओ बाहर आओ और अपने दोस्त को भी लेकर आना। ये सारे फल भी बाहर निकालो, मैं कुछ छोड़ने वाली नहीं, सबको खा जाऊंगी। लोमड़ी अपने घमंड से चूर चूर हो चुकी थी और इसी बात का खरगोश और कौवे ने फायदा उठाया। दोनों ने एक दूसरे को इशारा किया और तुरंत बिल से बाहर आते ही कौवा उड़ गया और खरगोश अपनी तेजी के कारण वहाँ से भाग गया। लोमड़ी अपनी हंसी के कारण यह देख ही नहीं पाई कि वहाँ अब कोई भी नहीं था सिवाय बचे खुचे फलों के।